आज का हमारा सफर बॉमडिला लगभग 8000 फीट से 13700 फीट तक सेला पास, और फिर सेला पास से पूरी कोशिश में करूंगा कि आज के दिन ही तवांग पहुंचाऊं जो है 10000 फीट पर, मतलब हाई माउंटेन पासेस का या बहुत ऊपर पहाड़ों के ऊपर बाइक राइड का आज हमें पूरा मजा आने वाला है। बॉमडिला से मैं निकल चुका हूं, इसके बाद में जो जगह आएगी उसका नाम है दिरांग। ये छोटे छोटे विलेजेस हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को यहां पर आकर रुकना बहुत अच्छा लगता है। आप भी जब यहाँ पर आए तो रुकने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो है बॉमडिला, और उसके बाद में एक जगह है दिरांग। आप सीधा भालुकपोंग से या तेजपुर से निकलकर अगर तवांग तक पहुंचना चाहते हैं तो वो इतना अच्छा प्रेफरेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इन पहाड़ों पर आए हैं तो पहाड़ों पर रुकते रुकते जाइए, मजा लेते हुए जाइए। वो सेफ भी है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपकी आंखों के सुकून के लिए भी अच्छा होगा। आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिन में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपके सामने ये नज़ारे हैं, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि आपको वही महसूस कराने की कोशिश करूं जो मैं खुद कर रहा हूं। कैमरा एंगल वगैरह मैंने वैसे ही सेट किया हुआ है जिसे कोई भी व्यूअर, चाहे वो नया व्यूअर हो या वो पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हो, इन पहाड़ों का पूरा मजा ले पाए। एक बात जो बहुत अच्छी है वो रोड का क्वालिटी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक स्टडी स्पीड से, कंफर्टेबल स्पीड से आगे बढ़ते रहिए, अपनी गति को कंट्रोल में रखिए और ऊपर नीचे जो भी आपको रास्ते ले जाते हैं उनके साथ में चलते रहिए। और जीवन में दोस्तों वैसे भी अगर आपको बहुत ज्यादा सुकून और एडवेंचर चाहिए तो जो भी जिंदगी हमें जहां ले जाती है, जो भी जिंदगी के रास्ते हमें वहां जहां ले जाते हैं उनके साथ चलते रहना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। धूप सुबह सुबह, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर पहाड़ों में खिली रहती है, नजारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप किसी भी इंसान को देखो, जानवरों को देखो, किसी को भी देखो, फूल पत्तों को देखो, सब एकदम खिले हुए से नजर आते हैं। शायद आपको आइडिया तो लग गया होगा कि मैं हूं बहुत ऊंचाई पे, और अब हम आ गए हैं दिरांग के गेट पे। पर्यटकों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव विलेज है ये। हाँ, एक बात और है कि जब आप किसी भी विलेज के अंदर से गुजरेंगे तो रास्ते आपको उतने चौड़े नहीं दिखेंगे। एक तो रीजन है कि यहां पे पहले से मकान बने हुए होते हैं तो जो रोड्स पहले बनी हुई है वही रोड्स हैं, दूसरा फिर लोग अपनी गाड़ियां भी खड़ी कर ही देते हैं। लेकिन जैसे ही आप विलेज से बाहर निकलते हैं तो उनकी चौड़ाई जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। यहां पे आपको होम स्टेज, होटल, सब तरीके की सुविधाएं हैं। कमरे में आपको हीटर वगैरह सब मिल जाएगा, हीटर गीजर सारी फैसिलिटीज हैं।
नीचे भी टाउनशिप है, बस इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कार से आना चाह रहे हैं और आप कार पे आपका अगर हाथ पूरी तरीके से साफ नहीं है तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने ड्राइवर लेके आइए। बाइक का तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, बस अगर आप में हिम्मत है, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी है और मेंटल कॉन्फिडेंस है तो ये मोटरसाइकिल्स तो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकती हैं। जैसा आप देख सकते हो सामने एक कार वाला यू टर्न ले रहा है और उधर से ट्रक भी आ गया है, लेकिन ये बात सही है कि कार वाला कॉन्फिडेंट है अपनी ड्राइविंग को लेके। अगर ये जरा सा भी अटकता तो फिर ये ट्रैफिक जाम का एक बहुत अच्छा सा कारण बन जाता। अच्छा, सिर्फ कॉन्फिडेंस से भी नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे परफेक्शन भी चाहिए होता है। अगर आप सोचो कि सिर्फ आत्मविश्वास के दम पर आप यहाँ गाड़ी चला लोगे तो वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको परफेक्शन की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि वो चलाते चलाते आ जाता है, लेकिन पहाड़ उस तरीके का एक्सपीरियंस लेने के लिए ठीक नहीं है। अब मेरे साथ में जो नदी बह रही है उसके पानी की जो कल कल की आवाजें हैं बहुत शानदार। और सबसे अच्छी बात यह है कि धूप निकली हुई है लेकिन मेरे फेस की तरफ नहीं है, तो मैं गोप्रो से बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरत व्यूज जो है उनको कैप्चर मस्ती से कर रहा हूं। जब सनलाइट सामने की तरफ से आती है तो मेरे लिए तकलीफ बढ़ जाती है कि मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो उतना अच्छा नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी आपको खूबसूरती पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। मिलिट्री के ट्रक्स जो भी आपको दिख रहे हैं ये कोई मिशन पर नहीं है, तो इनको शूट करने में कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होती। जब भी कोई मूवमेंट चल रहा होता है तो डेफिनेटली उस टाइम पे मैं अपने आप ही कैमरा बंद कर लेता हूं, लेकिन अभी यहां पर पूरी तरीके से शांति है। ये ब्रिज छोटा सा वो उस तरफ जाने के लिए है, लेकिन हम लोगों को सीधा जाना है। जब भी मैं बोलता हूं दोस्तों हम लोगों को सीधा जाना है, इसका मतलब वही है कि आपको और मुझे, क्योंकि मैं ट्रैवल खुद जो मैं करता हूं वो सोलो करता हूं, लेकिन कैमरे के थ्रू मैं अपने व्यूअर्स से बात करता रहता हूं। और यही एक तरीका है आपसे जुड़े रहने का और आपका मुझसे जुड़े रहने का, वो है हमारा YouTube चैनल। और मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स देख के समझ के मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। सामने आप देख सकते हो, शायद कोशिश करो, धुआं सा निकल रहा है। अब तो मैंने टर्न लिया और ये एक छोटा सा वाटरफॉल, छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे कैमरे में दूर है बहुत, इसलिए छोटा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसके करीब जाने की। बहुत गजब का फ्लो है पानी का, बहुत ही तेज फ्लो है। ये चीज हमने सिक्किम में भी देखी थी कि वाटरफॉल्स बहुत है वहां पे, यहां उतने तो नहीं लेकिन यहां के जो वाटरफॉल्स है इसमें भी पानी बहुत गजब का है अरुणाचल में भी। जब भी विलेजेस से निकलो तो ये जो प्रेयर्स के जो मंत्र होते हैं, झंडे होते हैं, फ्लैग्स, बहुत ही शानदार व्यू आता है, बहुत ही मजा आता है, थोड़ा हैपनिंग भी लगता है और ऐसा लगता है जैसे हमारा वेलकम किया जा रहा हो। यहां पे मिलिट्री के कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे वो लोग
आपको छोले भटूरे या इडली सांभर इस तरह की कैंटीन्स हैं जो सिविलियंस आराम से खा सकते हैं। तो जब आप यहां से गुजरे तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर लोगों की गाड़ियां रुकी हुई हैं, मतलब वहां नाश्ता मिल रहा है। अभी फिलहाल मैं नाश्ता करने के मूड में नहीं हूं, हालांकि मैं सुबह जब बॉम्बडेला से निकला हूं तो मैंने नाश्ता किया नहीं है। इस तरीके की हाइट पे, इस तरीके के साफ क्लीन आसमान को देखना और नीचे इतनी गजब की खाई, मजा ही कुछ और है। और बस ऊपर चढ़ते चले जाना। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग आसमानों के बीच में ही जाने वाले हैं। एकदम लेवल पे आते चला जा रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। फ्लाइट में कई बार हम लोग होते हैं तो फ्लाइट 10,000 से 40,000 फीट तक चलती है, तो अगर वो 10,000 फीट माना जाए तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग 10,000 फीट के ऊपर ही हैं। मतलब एवरेज प्लान जिस स्पीड से या जिस ऊंचाई पे चलता है उस ऊंचाई पे अभी हम लोग आ चुके हैं। और तारीफ करने पड़ेगी कि यहाँ के लोगों की, वो इस ऊंचाई पर रहते हैं, उनका जीवन यापन वो यहीं पर रह के कर रहे हैं इतनी हाइट पे। अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो है सेला पास। अब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि रोड शायद थोड़ी मुश्किल होती चली जाएगी, लेकिन फिलहाल ठीक है। अब रोड पे मतलब यहां पत्थर गिर सकते हैं और ये एक आसमानी व्यू बोल सकते हैं इसको, शानदार व्यू तो है ही, लेकिन पहाड़ के ऊपर से ऑलमोस्ट ये एक व्यू। मेरा दिल किया कि एक बाइक एक बार रोक लूं, थोड़ी सांसें अच्छे से ले लूं जिससे ब्रीदिंग प्रॉपर रहे ऊपर। मैं जब भी ऐसे पहाड़ की तरफ जाता हूं तो हल्का सा डीप ब्रीदिंग करता हूं। डीप ब्रीदिंग करने से बस ये है कि जो भी बॉडी का रिदम है वो बना रहता है और तो परेशानी नहीं होती है। तो ये मेरा ट्रिक है ऊपर पहाड़ पे जब भी जाता हूं और मुझे सांस फूलने जैसा लगे उससे पहले ही मैं डीप ब्रीदिंग कर लेता हूं। इसको आप योगा की कोई एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। बस मेरा फलसफा यही है कि सांस लेते रहो। क्योंकि आपकी सांसें चलती रहेंगी तो ऐसे खूबसूरत व्यू आप एंजॉय करते रहोगे। अब हाइट पर हाइट बाइक ऊपर की तरफ जा रही है और 13,700 फीट मुझे कंप्लीट करना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 11-12,000 फीट तक आ चुका हूं। सामने बर्फ के जो पहाड़ नजर आ रहे हैं बस वही सेला पास है। अब जो आप कैमरे के थ्रू महसूस नहीं कर सकते हैं वो है यहां की ठंड। अब हल्की हल्की जो बर्फीली हवाएं हैं वो लगने लगी हैं। ये बात एकदम सही है कि मैंने लेयरिंग कर ली है। अच्छा, ये जो रोड आप खुरदरी से देख रहे होंगे इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि यहां पे जब बर्फ पड़ती है तो ये रोड कच्ची हो जाती है, टूट जाती है, तो इसलिए इन रोड्स को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। जहां जहां भी बर्फ पड़ती है, जम जाती है रोड के ऊपर, वहां वहां रोड टूट जाती है। और ये शानदार व्यूज के साथ में अब मैं आपको लेके चलूंगा सेला पास और खुद भी मैं बहुत रोमांचित हूं क्योंकि मैंने आज तक इस पास को कभी क्रॉस नहीं किया है।
बाइक का जहां तक सवाल है, बहुत स्मूथ चल रही है, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अब ये बर्फ देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह जो अपना नाम रखती है अरुणाचल के सबसे ऊंचे सबसे हाईएस्ट पासेस में से। सामने जो गेट नजर आ रहा है बस वही गेट है, सेला पास। काफी लोग यहां पर ऑलरेडी हैं। तो अब थोड़ा सा बाइक को रोक के यहां के नजारे देखे जाएंगे। सामने एक लेक टाइप है और वो फ्रोजन है, जमा हुआ है। देख के शायद आपको ठंड का आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूं कि यहां ठंड बहुत गजब की है क्योंकि चारों तरफ बर्फ है। और मुझे अभी जो छोटा सा इश्यू देखना पड़ रहा है वो ये है कि जब मैं बाइक को खड़ा करता हूं तो मुझे थोड़ा हाइट चाहिए होता है, अदरवाइज स्टैंड मेरा जो वजन है बाइक का उसको नहीं झेल पा रहा है फिलहाल। बेचारे को एक महीने से ज्यादा हो गया है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं आई गया हूँ सेला पास। ये यहाँ का वेलकम गेट और ये है लेक। जम गई एक्चुअली, दिखाता हूँ पास में ले जाके। टूरिस्ट है, मस्ती कर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। यह है बहुत ही गजब का सेला पास। यहां पे हमारी भारतीय सेना और जिन भी लोगों ने इन रोड्स को बनाया है या जो भी लोग यहाँ की सुरक्षा में लगे हुए हैं सबको मैं सैल्यूट करूँगा। और यहाँ का डिटेल इस पास का इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं फ्रेम को रोक के। जहाँ तक मेरी इस एक्सपल्स 200 का सवाल है, मुंबई से निकल के यहाँ तक आने में इसने मुझे कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने दी है। और इसको मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे इस तरह के पहाड़ों पर आना था और पहाड़ों पर आने के लिए एक एडवेंचर बाइक की ही जरूरत होती है। सुपर बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है तो कंफर्टेबल नहीं होता है। सेला पास के उस तरफ बर्फ ना के बराबर थी, जब ऊपर आ गया तो थोड़ी सी दिखी थी, लेकिन इस तरफ का जहां तक सवाल है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आइस ही आइस। आप गाड़ियां देख सकते हैं, पर्यटक यहां पर हैं। टूरिस्ट जो कारों में आते हैं, कार्स में आते हैं, उनके साथ में ये होता है कि वो इस तरह के डेस्टिनेशन पर जब पहुंचते हैं तो अपने आप को एंजॉय करते हैं, सेल्फीज वगैरह जो भी उनकी होती हैं वो सब लेते हैं। लेकिन एज अ बाइकर मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि मैं तो पूरे रास्ते को ही एंजॉय करता हुआ आ रहा हूं। एक एक मूवमेंट को, एक एक पल को मैंने जिया है। ये पूरा फ्रोजन लेक आप देख सकते हैं, बहुत लंबा है एक्चुअली, और आगे से रोड टर्न ले रहा है लेफ्ट की तरफ, तो शायद हम इसके साथ साथ चलेंगे। देखते हैं कितना लंबा, कितना आगे तक चलेंगे इस फ्रोजन लेक के साथ में।
ये कुछ सामने ऐसा लग रहा है कि जो फौजी हमारे रहते होंगे उनके लिए शायद कुछ कॉटेज वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ रह पाना कितना मुश्किल होता होगा। और ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप नजारे, पूरा बर्फ ही बर्फ। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस लेक में पानी कब होता होगा, लेकिन ठंड बहुत है तो यहां बर्फ तो आपको हमेशा कभी ना कभी मिल ही जाएगी आप जब भी आओगे। लेकिन देख के आइडिया लग रहा है कि इस लेक में पानी होता तो होगा। मन तो कर रहा है कि यहीं अपनी कुर्सी डाल के बैठ जाऊं। लेकिन अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान है नहीं और मुझे अब भूख भी लग रही है। ये कुछ मिलिट्री के लोग हैं, वो मिलिट्री के लोग हैं पता नहीं क्या है, सिक्योरिटी है शायद, लेकिन वो कुछ लोगों को लेके घूम रहे हैं। और जब से मैंने हलुपोंग क्रॉस किया है तब से ये लोग आगे पीछे होते हैं। पहले तो मैं इनको साइड दे रहा था, लेकिन अभी मैं इनकी परवाह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना डोमिनेटिंग तरीके से ये नेचर को, मतलब अब क्या बोलें, हम इंजॉय करते हैं हमारा नेचर, हमारी कुदरत को। ऐसे डिस्टर्बिंग लोग तो आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे। बहुत ही मतलब ऑसमेस्ट प्लेस है ये। अगर आप यहां पर आए तो मैं आपसे पूरी तरीके से आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि यहां पर आप धीरे धीरे चलिए, इंजॉय करते हुए चलिए और इन लम्हों को, आंखों को पूरी तरीके से बसा लीजिए इन सब चीजों को, क्योंकि जिंदगी में आप जो हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं वो बार बार यहां पर नहीं आ सकते हैं। और जो कहने वाली बात है कि यहां पर आना एकदम वर्थ है। हमारी कुदरत, हमारा नेचर, हमारा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो लोग वीडियोस के थ्रू इसको एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन जब भी मौका मिले तो आप भी निकल आइए और यहां आकर भी एंजॉय कीजिए। जहां पर भी रोड खुदा हुआ है या टूटा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा रीजन वही है कि जब बर्फ जमती है तो ये बर्फ में रोड टूटता है, या फिर इसको कुछ काम करने का, चौड़ा करने का प्रोसेस होता है तो ये इसको बना लेते हैं, लेकिन फिर भी कितना भी बनाएंगे रोड फिर भी टूटेगा, क्योंकि ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं झेल रहा है, ये साथ में बर्फ की ठंडक भी झेल रहा है। कई लोगों को लगता होगा ना ये कितना पागल इंसान है, अकेला ही ऐसी जगहों पर निकल आता है, क्या मजा आता होगा, बोर होता होगा कि नहीं होता होगा। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी बातें पूछते हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि इतने सारे व्यूअर्स मेरे साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो मेरे वीडियोज के थ्रू मेरे से बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोज को शेयर करते हैं। तो बस यही मेरा उत्साह है कि जो मैं देख पा रहा हूं वो आप लोगों को दिखाऊं, और जो मुझे यहाँ से महसूस होता है, जो मुझे आप लोगों से प्यार मिलता है, वही मेरा इंस्पिरेशन है, वही मेरा मोटिवेशन है। तो मुझे सच में बोलूँ कोई अकेलापन नहीं लगता, और अगर मैं कहीं गिर पड़ जाता हूँ या कुछ हो भी जाता है तो मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है जब ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। जिंदगी जितनी बाकी है तो उतनी पूरी जी के ही जाऊँगा, और अगर जिंदगी की सांसें खत्म होती हुई लिखी होंगी तो घर में बैठे बैठे भी इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। तो जब तक है बस जी लो। इस मोमेंट पे मैं आपको बता देता हूं कि एक फिल्म है जो मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड हूं, जुड़ा हुआ हूं या इंस्पायर्ड हूं। उस पिक्चर का नाम है आनंद, वो राजेश खन्ना साहब की फिल्म है।
तो जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए दोस्त, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। हालांकि मेरी जिंदगी अभी तक काफी लंबी हो चुकी है, अब मेरे जो हाथ है, मतलब मैंने जो ग्लव्स पहने हुए हैं वो विंटर ग्लव्स नहीं है, वो नॉर्मल ग्लव्स हैं। बाकी मैंने जैकेट के अंदर लाइनर पहना हुआ है, जो मेरा राइडिंग पैंट है उसके नीचे भी लाइनर है, जो मेरे बूट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन सिर्फ मेरी जो हथेली है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं जा रहा हूं नीचे की तरफ 13,700 फीट से, अब हमें जाना है 10,000 फीट की हाइट तक। लेकिन फिलहाल मैं अपने विंटर ग्लव्स जो है वो नहीं निकाल सकता। सच बात यह है कि मेरे हाथ जाम हो रहे हैं, तो वो बंजी रोप को खींचना लगाना ये सब करना अभी मेरे से नहीं होने वाला है। तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि बर्फ वाले पहाड़ जैसे ही क्रॉस होंगे तो शायद मैं संभल जाऊंगा, लेकिन अब इन बर्फ वाले पहाड़ को निकालने के लिए पूरा ध्यान देता हूँ यहाँ की मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए, मस्ती में। सामने भी एक मिलिट्री की पोस्ट है, कुछ नजर आ रहा है। ये शायद किसी को उन्होंने पकड़ा है ड्रोन के साथ में, ये उनकी बाइक है शायद। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ड्रोन उड़ाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपका ड्रोन जो है उसकी परमिशंस आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए, और कभी भी आप मिलिट्री रेंज के अंदर ड्रोन उड़ाने की कोशिश मत करो। हालांकि ये व्यूअर्स के लिए नहीं है, ये जो यूट्यूबर्स वगैरह जो हैं या फोटोग्राफर्स जो हैं उनके लिए है। फोटोग्राफर्स तो एक्चुअली ध्यान रखते हैं, लेकिन कई यूट्यूबर इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि मुझे पता है कि वो उसको छोड़ देंगे, और छोड़ देना भी चाहिए क्योंकि शायद वो इंटेंशनली तो वैसा नहीं कर रहे, लेकिन जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो ऐसी फोटोग्राफी करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सुरक्षा किस तरह से जुड़ी हुई होती है इन फोटोग्राफ से वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी जब तक परमिशन नहीं है तो फिर नहीं है। अब हम नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं, लेकिन बर्फ जो है वो रेगुलर अभी तक हमारे साथ में कनेक्टेड है। ये बात बहुत सरप्राइजिंग है कि सेला पास के उस तरफ बर्फ बिल्कुल भी नहीं थी, और सेला पास के जैसे मैं इस तरफ आया हूं तो इतनी बर्फ। लेकिन ये वर्थ है, मुझे बर्फ बहुत पसंद है, बर्फ में बाइक चलाना भी मुझे बहुत पसंद है। यहां पे भी पोस्ट बने हुए हैं, एक्टिविटीज क्या है वो नहीं समझ में आ रही है। गाड़ियां खड़ी हुई, शायद गाड़ियों का स्टोरेज हो सकता है। कुछ बाइकर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली ये लोग तवांग से वापस आए होंगे। तवांग भी दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैंने अभी तक बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तवांग पहुंच ही जाऊं।
अभी एक्चुअली काम नहीं हो रहा है रोड का, लेकिन लेबर जो है वो मतलब लेबर शायद काम कर नहीं रही, या तो रोका गया होगा या कुछ किया गया होगा, बस खाना खा रहे हैं वो लोग बैठ के या रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। हो सकता है ठंड की वजह से ब्रेक लिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अब आगे से दोबारा मैं लेफ्ट साइड घुमाऊंगा, व्यूअर्स को शायद आइडिया लग गया होगा जिस तरीके से मैं टर्न ले रहा हूं, तो वो नीचे की तरफ जाने वाले टर्न्स हैं। सेला पास से पहले जब मैं टर्न ले रहा था तो वो हाइट की तरफ जाने वाले टर्न्स थे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैं तवांग साइड से ऊपर जाऊंगा तो इसी तरीके से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं या इसी तरीके से हम लोग रोड्स पे नीचे की तरफ जाते हैं। या आप सिंपल भाषा में समझे तो जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, तो ये पहाड़ों की सीढ़ियां की तरह इसको हम मान सकते हैं, रैंप है ये, क्योंकि पहाड़ पे आप सीधी स्टिफ चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हो। हालांकि स्टिफ चढ़ाई भी कहीं कहीं आती है, इतना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरह से टर्न पे उतारें या कुछ भी करें तो ब्रेक यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको गियर शिफ्टिंग के साथ ही बाइक उतारनी है, क्योंकि टर्न्स पे मोस्टली आपने देखा होगा कंक्रीट या ऐसा कुछ पड़ा रहता है, तो जरा सा भी कुछ हुआ तो गिरने के चांस होते हैं। हालांकि बाइकर्स के लिए गिरने के चांस नहीं होते, उन्हें सब आइडिया होता है, लेकिन जो नए वाले लोग हैं, नए वाले जो बाइकर्स हैं या जो माउंटेन्स पे अभी तक नहीं गए हैं, उनके लिए ही ये बात है कि गियर शिफ्टिंग से बाइक उतारो, क्लच अवॉइड करो, ब्रेक अवॉइड करो, उससे क्या बाइक में पावर बना रहता है और वो आपको स्मूथली उतार देती है या चढ़ा भी देती है। पानी का जो झरना है वो साथ साथ बह रहा है, यहां कुछ खाने के लिए दिख रहा है, मतलब रेस्टोरेंट है, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। तो इन सज्जन ने साफ साफ मना कर दिया है कि खाने के लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं हो पाएगी, तो ठीक है, जहां तक जब तक चल सकते हैं चलते हैं। ये भी वाटरफॉल से रिलेटेड ही कोई जगह है, इसलिए बहुत सारे प्रेयर्स यहां पे लगे हुए हैं, मंत्रास लगे हुए हैं। नेचर खूबसूरत भी है दोस्तों और खतरनाक भी, तो इसलिए कुदरत के साथ में खेलना कभी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे जो सामने या साइड में पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, तो पेड़ों के बीच में वाइट वाइट बर्फ ही है। जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा ठंड है यहां पर। बस एक चीज जो है वो बहुत अच्छी है कि जो मैंने रॉयल एनफील्ड की जैकेट ली हुई है वो वर्थ है लेना, क्योंकि उसका जो इनर लाइनर है वो मेरे को बहुत प्लीजेंट फील करा रहा है, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है सीने के ऊपर। अंदर में जो उसमें विंड लॉक जैकेट है उसकी वजह से ठंड नहीं पहुंच पा रही है अंदर, और मैं मस्ती से अपनी बाइक राइड के मजे ले पा रहा हूं। आज का ये जो दिन है ये अभी तक की राइड का सबसे स्पेशल दिन है, मतलब राइड पे मैंने सब जगह मजे ही मजे किए हैं, नो डाउट मैंने बहुत एंटरटेन किया है अपने आपको, बहुत मस्ती मारी है, लेकिन इस
दिन आज की अगर मैं बात करूं और अभी सेला पास के इस तरफ, सेला पास के उस तरफ तो बहुत ठीक था, मैं नॉर्मली आराम से चढ़ आया, लेकिन इस तरफ ठंड की वजह से मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। साथ में जो ट्रैवलर है इसमें काफी लोग सो रहे हैं और जो जगे हुए हैं वो इस साइड जो थे वो मेरे को भी देख रहे थे। अब मैटर वही होता है कि जब आप इस तरह ट्रैवलर्स में या कार्स में ट्रैवल करते हो तो करने के लिए कुछ होता नहीं, तो लोग सो जाते हैं। एक बहुत पुराना सा ब्रिज, आयरन ब्रिज, और जैसा कि मुझे आयरन ब्रिज से गुजरने में बहुत मजा आता है तो मैं महसूस कर रहा हूं। अब यहाँ पर कुछ लोगों की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, डेफिनेटली यहाँ कैंटीन है तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। कुछ बाइकर्स ऑलरेडी यहाँ पर पहले से रुके हुए हैं। इनकी जो बाइक्स हैं वो MH14 MH9। मैंने इनसे पूछा एक्चुअली, तो ये पूना से आए हैं। अगर ये लोग पूना से बाइक चलाकर मेरी तरह ही आए हैं तो बहुत काबिले तारीफ है, बहुत मजेदार है। इन्होंने पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है, सारा सामान इन्होंने कवर किया हुआ है, त्रिपाल में लपेटा हुआ है। खासकर इनको बारिश की शायद बहुत टेंशन है तो इन्होंने जैकेट्स वगैरह सब ऐसे कवर किए हुए हैं। अब मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं स्लोप पे बाइक को खड़ा नहीं कर सकता हूँ और ना पीछे की तरफ इसको सरका सकता हूँ, मुझे आगे ही ले जाना पड़ेगा। अब ये लोग जा रहे हैं तो मेरे लिए जगह बन गई है। एक्चुअली ये लोग जा रहे थे इसीलिए मैं बैठा रहा कि फिर मुझे टाइम या स्पेस मिल जाएगा तो अपनी बाइक को खड़ा कर लूंगा। लेकिन यहां मेरी बाइक खड़ी होगी ऐसा मुझे थोड़ा डाउटफुल ही लगता है। हाँ, यहां पर मैं अपनी बाइक को लगा लूंगा। नीचे आप देख सकते हो, मतलब हाइट का आइडिया आप लगा सकते हो, हालांकि कुछ फौजी भाइयों के रुकने की जगह भी है वहां पर। अब ये बाइक सेटल है, गिरेगी नहीं। अब जब मुंबई जाऊंगा तब इसमें एक बीच वाला जो स्टैंड होता है मेन स्टैंड, वो लगवाना पड़ेगा क्योंकि सामान ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ये बाइक टेढ़ी हो जाती है। ये जो कैप है ये मैंने कश्मीर से लिया था और इसकी जरूरत जो मुझे पड़ रही है वो पड़ रही है अरुणाचल के अंदर, क्योंकि मैं हूं बर्फीली जगह पर। इस कैंटीन में सिविलियंस जैसे हम जैसे लोग आराम से नाश्ता खरीद सकते हैं। यहां पे भी आप फ्रेम को रोक के प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हैं।
तो ये है पहाड़, और पहाड़ों पे मेरे को भूख लग रही थी। ये मिलिट्री का कैंटीन है, काफ़ी अच्छा कैंटीन है। तो अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते में मेरे पास दो समोसे हैं, जलेबी, और एक आइटम है इसका नाम है दिलखुश, मैंने कभी पहले नहीं खाया है, तो ट्राई कर लेते हैं। पानी ऑलरेडी है अपने पास। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर समोसे खाने के बाद मैं मतलब मुझे समोसे बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि ये ठंड होने की वजह से ये जितना भी नाश्ता मैंने किया था थोड़ा ठंडा हो गया था। लेकिन जब आपको भूख लग रही हो बहुत जोर से तो बस कुछ ना कुछ मिलना चाहिए खाने के लिए, तो मैंने खा लिया है। तो एनर्जी लेवल पे तो नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो एनर्जी आ गई है। हालांकि मैंने एनर्जी के लिए काफ़ी कुछ और भी सप्लीमेंट्स लिए हुए हैं, जो मेरा टैंक बैग है उसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है। एनर्जी बार्स भी हैं मेरे पास में, और अब आप देखिए कुछ अलग नज़ारे। अभी तक जो हमारा प्रोसेस है नीचे उतरने का वो चालू ही है। याक्स यहाँ पे बहुत हैं। याक्स आपको पहाड़ी एरियों में ही मिलेंगे। वैसे देखने में आप किसी को कैसे भी लगते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक नहीं होते हैं। लोग इन्हें पालते हैं, दूध निकालते हैं, एक तरह की गाय ही हैं, जैसा मैं समझता हूं। अब यहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। उसका जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि पहाड़ों पे शाम होने के बाद में बाहर नहीं निकला जाता है। मोस्टली लोकल्स भी जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं शाम को इस तरह के हाईवेज पे निकलना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम रहते रहते पहुंच जाऊं अपने डेस्टिनेशन पर। हालांकि कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो पहाड़ों पे लोग शाम के टाइम ट्रेवल प्रेफर नहीं करते हैं। सामने एकदम खड़े पहाड़ हैं। अब मुझे नीचे की तरफ ही उतरना है, 10,000 फीट तक जाना है। तो इससे शायद आपको आइडिया लग रहा होगा कि सेला पास कितने ना ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर कोई भी नहीं है, तो ये बात आप समझ लो कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे ऐसे सोलो राइड में, सोलो ट्रैवल में, और रोड्स पे भी कोई ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत सिर्फ मेरी ही है, मेरे लिए मजा आ रहा है, तो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है। और रही बात बोर होने की, तो अगर जिंदगी में इससे खूबसूरत कुछ और है तो आप मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा, इससे खूबसूरत कुछ भी हो सकता है, इससे बेहतरीन कुछ और हो सकता है, तो मैं क्यों भला बोर होने लगा। ऑसम नजारे। सच बोलूं तो मेरे दिल में वाकई ये ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं मैं पहाड़ों पर ही सेटल हो जाऊं। इंटरनेट तो आजकल सब जगह आ ही जाता है, लेकिन बात यह है कि मैं मुंबई में काफी सालों से हूं, तो मेरा एक अंदर से मुंबई से भी लगाव बहुत ज्यादा है। हालांकि वो लगाव इन पहाड़ों से ज्यादा नहीं है। पहाड़ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुंबई में रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, काम धाम की वजह से रुकना पड़ता है।
दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री का जो टाइम सेटअप है वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है पॉसिबली शायद यही होगा कि मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा और पार्ट टू के अंदर आपको तवांग और तवांग के ऊपर के जितने भी नज़ारे जहां पर भी परमिटेड एरिया हैं, जहां पर भी हम लोग जा सकते हैं और कैमराज से उन सब जगहों को शूट किया जा सकता है, वो पूरी शूटिंग आपको डिटेल में दिखाऊंगा और जो मैंने महसूस किया है वो पूरा आपको भी महसूस करवाऊंगा। जब आप कस्बों के अंदर आ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाईवेज पे आप अकेले थे, क्योंकि यहां पर लोगों की थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, रोडें एकदम खाली पड़ी है, रोड्स एकदम खाली हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चहलकदमी होती है, दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले एपिसोड के अंदर। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।